यस सर, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या कर रहे थे हम लोग, आपको याद होगा तो कल हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेशन चालू किया है। सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। टैक्स कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड डन द ओल्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, यस ऑर नो, विच हैज नाउ बिकेम द ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, यस ऑर नो। अच्छा जी सर, तो हमने सबसे पहले ओल्ड किया ताकि आपका इंटर वाला पार्ट फटाफट रिफ्रेश हो जाए, और फिर हम क्या करेंगे, जो मैंडेटरी टैक्स वाला पार्ट है हम उस पर जाएंगे, दैट इज द अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, जिसको पहले बोला जाता था, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक चार्ट बनाया। चार्ट में सबसे पहले लेफ्ट साइड में लिखा इंडिविजुअल बिलो 60 नॉन रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AGP, यस, अप टू 2,50,000, नील 2,50,000 टू 5,00,000, 5%, 5,00,000 टू 10,00,000, 20%, एंड अबाउट 10,00,000, 30%, शॉर्टकट से 12,500 एंड 1,12,500, याद आ रहा है। टैक्स निकालते वक्त तीन चीजों का और ध्यान रखा जाता है जो हमने नोट्स के अंदर में लिखा। पहला नोट हमने लिखा दैट व्हेनेवर यू कैलकुलेट टैक्स यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट HEC विच इज मैंडेटरी एट द रेट ऑफ 4%। सेकेंड, हमने रिबेट में एक फैंटास्टिक चीज देखी, आपको याद होगा, तो रिबेट हैज चेंज्ड। क्या हम सोशल मीडिया पे जाएंगे? नहीं, रिबेट वही है, 115 BAC 1A के हिसाब से ये चेंज हो चुका है। सो हम पहले नॉर्मल रिबेट पढ़ा, नॉर्मल रिबेट क्या था, नॉर्मल रिबेट याद करके देखो, इफ टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड 5,00,000, रिबेट इज लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 12,500, याद आ रहा है मालिक आपको। फिर यहां से हम लोग गए, हमने देखा राउंड ऑफ, टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स नीड टू बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। लास्ट वाला हमें ये देखना पड़ता है, लास्ट वाला सेक्शन क्या है, सॉरी लास्ट वाला नंबर क्या है, इफ इट इज 5 or more than 5 हायर साइड राउंड ऑफ, अदरवाइज लोअर साइड राउंड ऑफ। फोर्थ चीज हम लोगों ने देखी, याद करके देखो, फोर्थ चीज हम लोगों ने देखी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। हालांकि पूरे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हमने लिखे नहीं, हमने यहाँ पे मुख्य चार लिख के छोड़ दिए, जिसमें पहला था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A 10% एंड कैजुअल इनकम 30%। यस, देन वी हैव ऑल्सो लर्न इफ असेसी इज रेसिडेंट एंड कैनॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, स्पेशल इनकम विज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट, बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट, यस ऑर नो। आई हैव गिवन यू सम प्रॉब्लम एज होमवर्क इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर टैक्स कैलकुलेशन, यस ऑर नो, दीज ऑल टैक्स कैलकुलेशन वेर सपोज टू बी सॉल्व in the normal way only, unless and until I have specifically mentioned you calculate as per 115 BAC. So let us go through it quickly, right? Calculate the tax liability of Bahubali, age 43, having following income business income and dividend income. Total income ban rahi hai kitni? 4,50,000, yes or no? Total income ban rahi hai kitni beta? 4,50,000. So can I directly say the tax would be nil, but whether we need to solve it? Yes. Yes or no? So problem number one, Bahubali particulars rupees, total income 4,50,000 minus basic exemption, nothing specifically mentioned, so 2,50,000 balance tax rate at the rate of 5%, is it 10,000 less rebate under section 87A, completely 10,000, the tax would have been nil. I'm sure you have to answer Ajana Chi both quickly. Check it. Done, sir? Okay. So tax would come to nil. Second, Mr. Ranga, age 40 years,
ऑल्सो हैविंग स्पेशल इनकम. अब आप यहाँ देख सकते हैं इन द सेकेंड क्वेश्चन देर इज ओनली वन स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112. नाउ डोंट कंसिडर दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज स्पेशल इनकम. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज अंडर सेक्शन 111A स्पेसिफिकली रिटर्न देन एंड ओनली देन यू शुड अप्लाई 15%. अदरवाइज यू शुड नॉट अप्लाई 15%. यस. सो प्रॉब्लम नंबर टू, मिस्टर रंगा, you had one special income, so you can make two columns, column A, column B. Yes or no? So you have short term, no, you have long term capital gain. How much? You have long term capital gain 40,000 into 20%. Yes. So 40,000 into 20%, ye aa gaya boss 8,000. Yes. ये आ गया 8,000. जितना बचा ये सारा का सारा आ गया आपके नॉर्मल इनकम के अंदर में. सो 6 लाख प्लस 150 प्लस 30 दैट कम्स टू 7,80,000. नाउ आउट ऑफ 7,80,000 नॉर्मल बेसिक या डायरेक्ट शॉर्टकट भी अप्लाई करा जा सकता है इनकम अप टू 5 लाख. कितना आने वाला है बेटा? 12,500. आपका बैलेंस इज 2,80,000. इस पे टैक्स कितना परसेंट आएगा बेटा? 20%. सो 2,80,000 इंटू 20% दैट कम्स टू 56,000. टोटल वुड कम टू 68,500. एवरीबॉडी यस ऑर नो? सो टोटल टैक्स वुड कम to 76,500. Yes. Is there any surcharge applicable, Malik? No. But am I sure that HEC is applicable at the rate of 4%? Yes. Whether rebate will be available? The question does not arise. So 3060, your final tax would come to 79,560. Do you agree? Yes. नीचे प्लीज एक नोट डालें, अनलेस एस टी सी जी 111A इज मेंशन, अनलेस एस टी सी जी 111A इज मेंशन, दी एस टी सी जी would be taxed at normal rate. The STCG would be taxed at normal rate. Done? Okay. Third. So the answer to the next question is 79,560. Third. Problem number three, Kalia, age 52, again having special income. Now one can see we have two special income. Now we can see we have two special income. Okay. Basic exemption limit seems to be absorbed. So chalo. Problem number three, Kalia. Okay. Do help me with the figures. यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं? स्पेशल टैक्स कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? स्पेशल टैक्स कंसिडर कर लेते हैं. सो दैट दिस विल कम टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000 इंटू 20%, दिस विल कम टू 8,000. देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 इंटू 15%, 4,500. टोटल total would come to 12,500. Then there arise normal income. Normal income comes is 8,50,000 up to 5 lakh. 12,500 balance 3,50,000. Then tax rate will be at the rate of
20%, total would come to 82,500 plus 12,500. The total tax would come to 95,000. Then HEC at the rate of 4%, 3,800, total tax comes to 98,800. Everybody? Yes. Chalo ji. Then we would come to another problem, Micromax, age 56, another two income. I think the problem is really easy. Tell me, what is the final answer directly? 1,62,240. Everyone, please check. Main isko solve nahi kar raha hu, but I guess similar ye se figures change kar di gayi hai. Isme sirf ek difference aayega, 10 lakh ke upar jo hai tax rate kitne pahunch jayega, 30%. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया था, दो हमने सरचार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, पर मैंने कहा कि क्यों ना बच्चों को दे दूं एक बार का, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि आज सरचार्ज में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सरचार्ज का कुछ याद आने वाला नहीं है. यस और नो? तो ट्राई किया नहीं किया? सही भी निकाला, सही भी निकाला. कौन से वाले क्वेश्चन का? कैसे कैसे? Are you talking about this? Third question, na? Fourth question ka alag hai. Acha, chalo. To phir solve kar lete hain. Fourth question ka yahan pe difference aa raha hai, to solve kar lete hain. Kya takleef hai? 2 minute lagega. Short term capital gain 50,000 into 15%. Chalo, 50,000 into 15% 7,500. That's 50,000 short term. Long term ka long हाँ अच्छा तूने क्या नंबर ने गलत लिए थे? हाँ जी भाई, तो इस बारे में क्लैरिटी है, इसको हम वापस से सॉल्व नहीं कर रहे. उसने गलत लिख दिया था, तो क्या सीखा हम लोगों ने? भैया कंसेप्ट में तो गलती होती है, कई बार देखने से भी गलती हो जाती है लाइफ में. यस, तो जब भी देखना बड़े गौर से देखना, और हाँ जब भी देखना पहले नीचे देखना. नहीं मतलब आप गलत समझ सकते हैं मेरी इस लाइन को, पर जब भी देखना पहले नीचे देखने का मतलब यह है कि पहले देख लो आपका टोटल इनकम क्या दी हुई है. तो मैंने आपको सरचार्ज का भी क्वेश्चन दिया था, जानबूझ करके दिया था, यह समझते हुए कि भैया तुम सॉल्व कर पाओगे या नहीं. बट अगर तुमने इसको सॉल्व किया और आंसर सही आ जाता है तो बहुत खुशी की बात होगी. चलिए लौटते हैं कहां, कॉन्सेप्ट के ऊपर हम वापस आ रहे हैं. कॉन्सेप्ट के ऊपर हम वापस आ रहे हैं. तो आज हम लोगों ने को देखना है स्पेशल रेट तक के, तो हमने ऑलरेडी देख लिया. इधर आओ, स्पेशल एडजस्टमेंट्स तक के तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. पेज नंबर 8, इफ असेसी रेसिडेंट हैज स्पेशल इनकम, यस नॉट कैजुअल इनकम एंड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट एग्जॉस्टेड, देन स्पेशल इनकम शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टू कवर अ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट. क्लियर है? आइए अब बात करते हैं सरचार्ज की. सरचार्ज, अगर मैं आपसे बात करूं सरचार्ज की, राइट अगर मैं आपसे बात करूं सरचार्ज की, तो सरचार्ज में अगेन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आया है, ठीक उसी तरीके का जिस तरीके का रिबेट में आया था. ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया के पोस्ट पढ़ें या जितना न्यूज चैनलों पे दिखाया जा रहा है उस पर गौर करें, तो सरचार्ज का जो रेट है वो 37% से 25% कर दिया गया है, ऐसा अलग अलग न्यूज चैनल और कई वेबसाइट्स क्लेम कर रहे हैं. बिलीव मी, ऐसा नहीं है. इट हैज कम विद एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या है? वो जो हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज 37% था, उसको 25% पे ला दिया गया है. इट इज ओनली इन केस ऑफ 115 BAC. अगेन सिमिलर थिंग. यानी अब दो चीजें चलेंगी, एक नॉर्मल टैक्स का जो सरचार्ज है वो बिल्कुल कांस्टेंट रखा गया है, और 115 BAC वाला जो सरचार्ज है उसमें चेंज लेकर के आए हैं. तो अभी हम 115 BAC नहीं पढ़ रहे, उसको एक साथ आगे देखेंगे, अभी हम नॉर्मल सरचार्ज के ऊपर फोकस कर रहे हैं. क्लियर है मालिक? तो ये मिसकंसेप्शन है, याद रखना, इसको हम 115 BAC के साथ संपूर्ण तरीके से देखेंगे. आ जाओ जी, हमने देखा सरचार्ज क्या होता है.
याद करके देखो, सरचार्ज इज एन एडिशनल लेवी. कौन लगाता है? यूनियन. रखता कौन है? यूनियन. याद आ रहा है आपको? अच्छा जी, सरचार्ज लगाने का पावर क्या कॉन्स्टिट्यूशन से आता है? आंसर इज यस. सरचार्ज लगाने का पावर कहाँ से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है. इसके आगे की बात कर लेते हैं. सरचार्ज क्या था, मैं आपको याद देता हूँ. शायद आपने जब तक के इंटर पढ़ा था तब तक द सरचार्ज वॉज वेरी क्लियर. अबव 1 करोड़ देर वॉज अ सिंगल रेट. यस ऑर नो? देन इट चेंज अकॉर्डिंगली अबव 50 लाख एंड अबव 1 करोड़. इन 2019 मोदी जी गिव्स अ फैंटास्टिक स्पीच. स्पीच के कुछ वर्ड ऐसे थे, मैं अमीरों से लूंगा और गरीबों को दूंगा. अमीर लोगों को ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया, उन्हें लगा ये जुमला है. बट बाद में पता चला इसको निकाला कैसे गया, इन द नेम ऑफ सरचार्ज. उन्होंने एनहांस्ड सरचार्ज नाम का कॉन्सेप्ट लेके आ गया. उन्होंने क्या लेके आया? एनहांस्ड सरचार्ज नाम का कॉन्सेप्ट लेके आया, वेर इन इफ द इनकम इज अप टू 50 लाख देर इज नो सरचार्ज. इफ द इनकम इज बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़, बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़ द सरचार्ज इज 10%. इफ द इनकम इज बिटवीन 1 करोड़ टू 2 करोड़ सरचार्ज इज, बोलो जल्दी, 15%. राइट, 50 to 1 10%, 1 to 2 15%, 2 to 5 25%, एंड अबव 5 it was 37%. यस ऑर नो? तो उन्होंने क्या किया, सरचार्ज लेके आ गए. ये जो 25% एंड 35% है ना, इसको नाम दे दिया गया एनहांस्ड सरचार्ज. मतलब अ सरचार्ज विच हैज फर्दर एनहांस्ड. तो अब सरचार्ज रेट क्या बन गए 2019 के बाद? 50 to 1 10, 1 to 2 15%, 2 to 5 25%, एंड अबव 5 37%. ठीक है, तो ये आपके सरचार्ज रेट बन गए. फिर एक और प्रोविजन इसमें डाली गई कि अगर आपकी नॉन, खैर उसको बताता हूं मैं आपको आगे. अब एक और प्रोविजन इसके साथ डाली गई रीसेंट टाइम्स में, फाइनेंस एक्ट 2023 में. ये जो 37% का सरचार्ज है इससे 25 पे ला दिया गया है. न्यूज आर्टिकल्स एंड कई वेबसाइट्स ने क्लेम किया कि सरचार्ज 37 नहीं, अब 25% ही है, जो बहुत हद तक के सही भी है क्योंकि ऑप्शनल टैक्स स्कीम है, अब मैंडेटरी टैक्स स्कीम है. यस, बट ये ओल्ड स्कीम में नहीं हुआ है और ये वो बताना भूल गए. मतलब उनको क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि भैया ये जो 25 तुम लेके आए हो ये 115 BAC के लिए, और बचे हुए के लिए आज भी क्या है 37%. ये क्लैरिटी की बस जरूरत थी और कुछ नहीं. अच्छा जी सर, तो आइए इस सरचार्ज के कंसेप्ट को समझते हैं. बराबर है, जब 2019 में इस सरचार्ज को लेकर के आए तब एक इशू अराइज हुआ. इशू क्या था? डिविडेंड. इशू क्या था? डिविडेंड. 2019 तक के डिविडेंड टैक्स नहीं था और 2020 से क्या किया गया, डिविडेंड को टैक्स किया गया. अब अगर डिविडेंड इनकम पे हायर सरचार्ज लगा देते तो ऑल दोज नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड अ ह्यूज अमाउंट इन इंडिया, they would have given a thought to invest or not to invest just because of the taxation issues. Yes or no? So government has decided not to levy enhanced surcharge on dividend and capital gain income. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. सरकार ने क्या बोला कि भैया नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर को हमें नाराज नहीं करना है, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, हमें उनको नाराज नहीं करना है, FDI इन्वेस्टर्स को नाराज नहीं करना है, तो हम एक काम करेंगे, After 2020 हम डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम पे एनहांस सरचार्ज नहीं लगाएंगे. अगेन बात इंटरप्रिटेशन की आ गई. उनने क्या कहा, सरचार्ज नहीं लगाएंगे या एनहांस सरचार्ज नहीं लगाएंगे? एनहांस सरचार्ज नहीं लगाएंगे, विच मीन्स द सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15% इन केस ऑफ, बोलो, डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन इनकम. जब इनने कैपिटल गेन इनकम की बात करी, कैपिटल गेन इनकम की बात करी, तो दे हैव ओनली कवर्ड 111 ए, दे हैव ओनली कवर्ड 112 ए, विच इज रिलेटेड टू शेयर्स, विच इज रिलेटेड टू शेयर्स. तो उन्होंने शेयर एंड रिलेटेड डिविडेंड इनकम पे एनहांस सरचार्ज हटा दिया. लेकिन एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल था किन पे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 पे, बिकॉज वो शेयर से भी आ सकता है, अदर देन शेयर से भी आ सकता है, उसको एनहांस सरचार्ज में रखा गया था. तो अब सिचुएशन ऐसी बनी, अदर इनकम इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 वाज एक्सपोज टू हायर सरचार्ज. डिविडेंड इनकम लॉन्ग टर्म अंडर 112 ए, शॉर्ट टर्म अंडर 111 ए, देयर सरचार्ज वाज मैक्सिमम 15% द मोमेंट दे इंक्रीज द लिमिट.
अब इसमें बहुत टसल हो रहा था, दो जो शेयर होल्डर 112 के अंदर में टैक्स भर रहे थे, दोज हु वेर नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ 112 वे, ये बोल रहे थे यार हमारी क्या गलती है, हमारे को भी इसमें लेकर के आओ, हमारे को भी उसके अंदर में लेकर के आओ। फाइनली इन 2022-23 सरकार ने क्या किया, 112 को भी एनहांस सरचार्ज से बाहर कर दिया। यानी अगर मैं आज 2023 में खड़े रहकर के बात करूं, एनहांस सरचार्ज किस पे एप्लीकेबल नहीं है, डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एनी कैटेगरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, इन पे एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल है, एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। पूरा हिस्टोरिक पीरियड टाइमलाइन समझ में आया? ओके, सो इन 2023 एनहांस सरचार्ज, वापस से बता दूं, इन 2023 एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम। तो ना उनने डोमेस्टिक शेयर होल्डर को नाराज किया, ना उनने फॉरेन शेयर होल्डर को नाराज किया, इन्हें बोला इन पे एनहांस सरचार्ज नहीं लगाएंगे, सरचार्ज लगाएंगे, एनहांस सरचार्ज नहीं लगाएंगे, यस और नो, रेस्ट ऑल अदर इनकम आर एक्सपोज टू एनहांस सरचार्ज, यस, अच्छा जी सर, तो समझते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्रॉम 2020 दिस सरचार्ज वेर डिफर्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पहले भी सरचार्ज डिफर होते थे, लेकिन इसके बाद अलग अलग असेसीज के लिए अलग अलग कैटेगरी ऑफ सरचार्ज लेके आ गए। फर्दर ये जो ऑल्टरनेट टैक्स स्कीम है 115 BAC BAD, राइट, इनके ऊपर जो सरचार्ज है ये मैंडेटरी सरचार्ज है, मतलब द इनकम डज नॉट एक्सीड द स्पेसिफिक लिमिट तो भी इनको मैंडेटरी सरचार्ज देना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आइए एक एक करके सारे कंसेप्ट को समझते हैं। मैं चाहता हूँ आप रजिस्टर में 6th पॉइंट ऐड करें। आई होप आपके पास पेज बचा हुआ है, चार्ट के नीचे का स्पेस बचा हुआ हो सकता है, चार्ट के नीचे का स्पेस बचा हुआ नहीं है तो उसके आगे का एक पूरा पेज हमने डेडिकेट किया है। यस, सरचार्ज, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अदर इनकम, अप टू 50 लाख, डोंट यू थिंक देर विल बी नो सरचार्ज? अप टू 50 लाख देर विल बी नो सरचार्ज, ₹50 lakh to 1 crore bracket, don't you think any kind of income normal rate of surcharge will be at the rate of 10%? Yes. Example number 5, notes. Five bhi nahi, six. Six hai. Example number 6 of notes. चलिए साथ ही साथ मिल करके सॉल्व करेंगे, मजा आएगा क्या? चलो आओ दोस्तों मिल करके सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, नोट्स ऑब्लिक पेज नंबर 1.27, ठीक है, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन? थाइनोस, थाइनोस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। आ जाओ बेटा, अगर हम थाइनोस के लिए सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास स्पेशल इनकम भी है तो ज़रा देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, इसको नॉर्मल तरीके से निकालें या फॉर्मेट बदल दें? मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि सरचार्ज अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के अंदर में दिख जाता है तो फॉर्मेट चेंज कर ले, इससे आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। एक इतना मस्त फॉर्मेट बना करके देता हूँ कि जिससे आपके गलत होने के चांसेस जो है ये बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाएंगे। अब मेरा जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से बनेगा, ये तभी यूज होगा जब सरचार्ज आता है। वैसे अगर देखा जाए तो इनमें अलग अलग सरचार्ज अभी नहीं है तो भी हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। जहां अलग अलग सरचार्ज आएगा मैं वहां पे क्या करूंगा, फॉर्मेट चेंज कर दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं स्पेशल इनकम के ऊपर। स्पेशल इनकम बताओ मेरे बच्चे कितना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 8 लाख इनटू, बोलो बेटा, 20%, सो
8 लाख इंटू 20% दैट वुड कम टू 1,60,000। जिसने इसने होमवर्क किया है देख लेना, चेक कर लेना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख इंटू 15% दैट विल कम टू 30,000। इन टोटो दैट विल कम्स टू 1,90,000 एवरीबॉडी। देन वी विल कम टू नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम इज 62 लाख। बराबर बताइए, अप टू 10 लाख 1,12,500 एवरीबॉडी। 1,12,500 अप टू 10 लाख। हाँ जी, नहीं नहीं एक मिनट, अपन 5 ही तो ले रहे ना। अच्छा नाम का इशू है। ओके स्टार्क ना, ओके हाँ तो आएगा ना। रुको, मैंने पढ़ते वक्त गलती करी है, रुक जा भाई। नॉर्मल 62 + 8 इज इट 70 लाख। हाँ जी, अप टू 10 लाख। बोल बेटा, 1,12,500। बैलेंस कितना बचा बता, 60 लाख। इस पे टैक्स रेट बता बेटा कितना, 30%। That comes to 18 lakh? ₹19,12,500। Everyone please check। जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन करते हो ना तब आपको पता चलता है भैया प्रॉब्लम पढ़ने में गलती हो गई, ऊपर नीचे चला गया। बताओ भाई साहब, आपका टोटल टैक्स कितना आया? यस माय फ्रेंड्स, डस दिस कम्स टू 21,02,500। नाउ 21,02,500, नाउ टेल मी, इज माय टोटल इनकम इज विद इन द ब्रैकेट ऑफ 50 लाख टू 1 करोड़? यस। टोटल टैक्स मस्ट बी इंक्रीज बाय अ सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। नाउ अंडरस्टैंड, एनहांस सरचार्ज में डिफरेंस है, सरचार्ज में तो डिफरेंस है ही नहीं। अंडरस्टैंड करना इस बात को। इज इट 210,250, 231,275,000? ये क्या बन गया मालिक आपका टोटल? इसमें क्या ऐड करेंगे? HEC एट द रेट ऑफ 4%, 92,510। टोटल 24,05,260। डन, समझ में आया किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है? चेक कंसेप्ट पे वापस आएंगे। इफ योर इनकम इज बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़, 10% 10%, देर इज नो डिफरेंस। इनकम इज बिटवीन 1 करोड़ टू 2 करोड़, 15% 15%। इफ द इनकम इज बिटवीन 1 करोड़ टू 2 करोड़, यस 15% and 15%। डन, चलो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। डू वन थिंग, इसको लिख दो एग्जाम्पल नंबर 6। ये बराबर था यार यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5।
यहां पे लिखो एग्जांपल नंबर 6 ऑफ नोट्स। एक चीज और, यहां पे एग्जांपल नंबर 6 जो है इसको थोड़ा सा अमेंड कर दो, इसको 1 करोड़, एग्जांपल नंबर 6 को थोड़ा सा अमेंड कर दो, इसको 1 करोड़ 62 लाख कर दो। चलो ट्राई करो, ट्राई करो फटाफट। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख इंटू 15% ₹1,90,000। एवरीबॉडी नॉर्मल इनकम 1 करोड़ 62 लाख, अप टू ₹10 लाख, 1,10,000, 1,12,500 बैलेंस। Is it 46,72,500 everyone? Yes, online जितने बच्चे मेरे online बैठे हुए हैं please tell me। बताइए total 48,62,500। Will it be increased with a surcharge of 15%? Will it be further increased by HEC at the rate of 4%? Don't you think the total comes to 58,15,550? आया नहीं आया?
यही नहीं, सरचार्ज टोटल इनकम पे लगता है। तो सरचार्ज इज नॉट अ स्लैब रेट। एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा बच्चे ने, सर सरचार्ज अगर 1 करोड़ है तो 50 लाख से 1 करोड़ का सरचार्ज अलग कैलकुलेट करो और 1 करोड़ के ऊपर का सरचार्ज अलग कैलकुलेट करो। वैसा नहीं होता, सरचार्ज जो है वो टोटल इनकम पे बेस्ड है, स्लैब वाइज इनकम पे नहीं। स्लैब वाइज के हिसाब से आपका टैक्स रेट निकलता है, सरचार्ज नहीं। सरचार्ज कब लगता है? जब हमारी टोटल इनकम इस ब्रैकेट के बीच में है, तो आप उसको फिर स्लैब वाइज नहीं निकालोगे। आप उसको क्या नहीं करोगे? स्लैब वाइज नहीं निकालोगे, आप स्ट्रेट अवे उसको इसी तरीके से निकालोगे। इज दिस डन? चलो जी बढ़ते हैं आगे। थर्ड कैटेगरी, इफ द टोटल इनकम इज बिटवीन 2 करोड़ to 5 करोड़, इफ द टोटल इनकम इज बिटवीन 2 करोड़ to 5 करोड़, अब मुझे बताइए क्या अब हम एनहांस सरचार्ज की लिमिट में आ गए? यस और नो? तो ऐसे केस में जो आपकी अदर इनकम है इसके ऊपर कितना परसेंट सरचार्ज लगने वाला है? इसके ऊपर सरचार्ज इज 25%। दिस इज कॉल्ड एज एनहांस्ड सरचार्ज, बट द सरचार्ज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15% इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ रही है बात? इनके लिए जो सरचार्ज रेट रहेगा वो कितने परसेंट पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? 15% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और जो अदर इनकम है, सर अदर इनकम कौन सी हो गई? पीजीबीपी हो गया, एचपी हो गया, सैलरी इनकम हो गया, राइट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, इनके ऊपर जो आपका सरचार्ज रेट रहेगा वो 25% हो जाएगा। क्लैरिटी से समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ द नोट्स को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ द नोट्स को देखते हैं, राइट मैं चाहता हूं आप अपने रजिस्टर को आज से ही पेज नंबर देना चालू करें। रजिस्टर को पेज नंबर देने से फायदा क्या होगा जरा समझिए। जो नोट्स आपके हैं, नोट्स के बाजू ही आप रजिस्टर में पेज नंबर, नोट्स के बाजू भी पेज नंबर लिख पाओगे रजिस्टर का। और जब सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करते वक्त ही क्या करो, इस तरीके से सॉल्व करो। देखो सॉल्व करते वक्त ही आप इसके बाजू क्या डाल दो, पेज नंबर डाल दो। फायदा ये होगा कि आपका रजिस्टर, आपका बुक जो है ये क्या हो जाएगा, इंटरलिंक्ड हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करो। मिस्टर रॉकेट आप बताओ सर, 50 लाख तक के अलग निकालोगे, 1 करोड़ तक के अलग निकालोगे, फिर 2 करोड़ के निकालोगे? नहीं, याद रखना सरचार्ज टोटल इनकम पे लगता है, स्लैब वाइज नहीं। तो चलो सॉल्व करके देखो, ट्राई करो। चलो ये है फायदा रेगुलर बैच का, और इसी को आप नजरअंदाज करते हैं कहां, फास्ट ट्रैक लेकर गया। देखिए फास्ट ट्रैक मैं भी देता हूं, लेकिन आपको एक पता है 3 साल का आपको गैप हो चुका है डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में, और आपको आज सॉल्व करते वक्त ना 10 बार सवाल आएंगे, अरे यार ये ऐसा होता है, तो ये कैसे होता है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुमको जो टैक्स निकालने की आदत है ना वो सॉफ्टवेयर में है, और एग्जाम में सॉफ्टवेयर नहीं वर्क करने वाला। एग्जाम में क्या वर्क करने वाला है? चलो जल्दी सॉल्व करो, मेरे को जवाब बताओ। कौन ट्राई करो फटाफट।
चलो 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 जल्दी, वी डोंट हैव दी होल डे। यहाँ ऑनलाइन जवाब भी आ गए भाई साहब। क्या जवाब आ रहा है? अवंतिका ने दिया है मेरे को जवाब, और अवंतिका का जवाब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अवंतिका जी का जवाब है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जाना पड़ेगा, 1,236,7,290। प्रियांशु का भी जवाब यही दिख रहा है, विच इज़ 1,23,67,290। तुम दोनों का भी जवाब ये आया है, बहुत बढ़िया। स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं, सर इंटर के बैचेस कब से चालू होंगे? मालिक, इंटर के जो बैचेस हैं ये अगस्त से चालू होंगे। शुड आई? चलो, अब अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7, रॉकेट नोट्स से आया है, पेज नंबर 1.27। दो पार्ट में हमने इसको कर दिया डिवाइड, बराबर है? आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, या एक दूसरा फॉर्मेट भी है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, आपने इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया होगा बाय डिफॉल्ट में। ठीक है, मैं नए तरीके से इसको सॉल्व कर देता हूँ। नए तरीका का जो फॉर्मेट मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो पर्टिकुलर्स, फिर लिख सकते हो आप इनकम, इनकम के बाद आप लिख सकते हो सरचार्ज, यस, या इनकम के बाद एक काम करो, पहले लिखो टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, फिर लिखो सरचार्ज, फिर लिखो टोटल, फिर लिखो HEC, और फिर लिख दो इन टोटल। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपकी PGBP इनकम है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, बराबर। पहला है आपका 48 लैक्स, बराबर। 48 लैक्स पे 15%, इज दिस 7,20,000? हाँ या ना, बोलते जाना मालिक। हाँ, दिस विल कीप मी मोटिवेटेड। दिस कम्स टू 10,20,000, यस। बैलेंस कम्स टू, इज इट 79,12,500? एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग दिस? यस। क्या किया हमने? नहीं आ रहा है ये? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2,70,00,000 था, तो 2,70,00,000 में से 10 लाख माइनस किए, बचे हुए 30% ऐड किए, 1,12,500, दैट कम्स टू 79,12,500। क्लियर है? अब अगर आप देखोगे, सरचार्ज रेट हैज डिफर्ड, यहां सरचार्ज रेट इज 15%, यहां सरचार्ज रेट इज 15%, वेर एज हियर सरचार्ज रेट इज 25%। नाउ अगर आप ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं, दिस विल क्लियरली हेल्प एग्जामिनर टू टेस्ट चेक योर नॉलेज वेदर यू नो दिस और नॉट। सो दिस फॉर्मेट इज मच मोर क्लीनर देन द फॉर्मेट वी आर यूजिंग। हाउ एवर, वी डिफर फॉर दिस फॉर्मेट ओनली ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ए क्लियर प्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम, बट नॉट ओनली नॉलेज, हाउ यू प्रेजेंट दिस नॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। येस और नो? सो आ जाओ, 7,20,000 इन टू 15%, दैट कम्स टू 1,08,000। एवरीबडी, 10,20,000 into 15%, that comes to 1,53,000, everybody. Yes. Everyone? नाउ 79,12,500 इंटू 25%, दैट कम्स टू 19,78,125। एवरीबॉडी, हाँ जी, 9,890,625। अब आप क्या कर सकते हो, इसका टोटल लेके सीधा इधर 4% ऐड करके आप टोटल में भी डाल सकते हो। यस, टाइम है,
इज इट 11891625 इंटू 4% 475665 1,23,67,290 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. यस, मजा आया या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है. यस, आएगा, मजा आएगा ही आएगा. क्योंकि क्या हो रहा है, तुम उसको सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते वक्त ना तुम्हारी बहुत छोटी 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 चीजें ना खिंच के बाहर आ रही है. चलो जी, ये क्लियर है. सो आई थिंक, अच्छा आपने वो फॉर्मेट भी बनाया तो इससे आपका आंसर डिफर नहीं हुआ. आपने चेक किया होगा आंसर हमारा वही रहा. बट डोंट यू थिंक दिस इज अ मच क्लीनर फॉर्मेट एज कंपेयर टू दैट? उसमें जब एनहांस सरचार्ज वाला मैटर आ जाता है ना तो गलती होने के एक चांसेस है. और मैंने बहुत बार सॉल्व किया है, उसके बाद मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि भाई उसमें गलती होने के पूरे चांसेस है. इसको सॉल्व करो, बहुत क्लीन फॉर्मेट है, इजी टू ड्राइव योर आंसर विद द शॉर्ट स्पेस ओनली. यस, चलो जी ऊपर आते हैं. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. अप टू 50 लाख देर इज नो सरचार्ज. 50 लाख टू 1 करोड़ 10%, 2 करोड़ 15%, अबाउट 2 करोड़ 15% एंड 25%. ठीक है, अबाउ 5 करोड़ दिस 15% विल रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस विल गो टू 37%. न्यूज आर्टिकल पढ़ोगे वो बोलेगा ये 37.25 हो चुका है 115 बीएसई के लिए. उसको अलग से देखेंगे अपन, यहां कुछ नहीं हुआ है भाई. ठीक है, यहां 37% कायम है. जैसे अंधेरा कायम है वैसे ये कायम है. पर आपको ऐसे कैसे समझ में आएगा? आपको तो एग्जाम के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो होमवर्क ले लीजिए. कॉन्सेप्ट आपको समझ गया है, सिर्फ परसेंटेज डिफर होगा. तो प्रॉब्लम नंबर 8 आपके एग्जाम के लिए क्या कर लो, होमवर्क ले लो. क्लियर, एग्जाम के लिए आज के लिए होमवर्क ले लो. ठीक है, क्योंकि अगला पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे चाहिए टाइम. सुनना, अब एक इशू है, इशू समझो क्या है. इशू ये है कि सपोज करो तुम्हारा पीजीबीपी जो है, तुम्हारा पीजीबीपी जो है ये जा रहा है 1,90,00,000, 1,90,00,000 आपका पीजीबीपी जा रहा है. एंड आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रखते हैं अंडर सेक्शन 112, ये जा रहा है 50 लाख. बराबर समीशन कर दिया तो 2,40,00,000 इन टोटल आता है. अब मेरी एक बात समझिएगा, सरचार्ज रेट बताइए मेरे को, सरचार्ज रेट बताइए. लॉजिकली आप बोलोगे सिंस द टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ the surcharge rate would have been 25% for PGBP and 15% for long term capital gain. Yes or no? Yes, क्योंकि आपकी total income, surcharge is based on total income, surcharge is based on total income. Since your total income is exceeding 2 crore, you are saying that PGBP should have been subject to 25% and long term capital gain should have been subject to 15%. Everybody, now understand the assessee's point of view. Assessee का point of view भी सुनो. Assessee क्या बोलेगा? Sir, understand. Is long-term capital gain my regular income? In fact, income tax has also considered this as a special income because these income do not arise on a daily basis. These income do not arise on a daily basis. तो ये मेरी कौन सी income हो गई मालिक? Special income. अब ये income एक हद बार arise हुई है, इस चक्कर में आप क्या कर रहे हो सर? मेरे को हायर सरचार्ज पे डाल दे रहे हो. हैड दिस इनकम डू नॉट अराइज्ड, माय सरचार्ज वुड हैव बीन 15%. अगर ये इनकम आई ही ना होती धरती पे तो मेरी इनकम कितनी रही रहती? 15%. मेरा सरचार्ज कितना रहा होता? 15% रहा होता. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनकम आई एम मेड टू सफर एडिशनल 10% सरचार्ज. This is an undue hardship, sir.
अंडरस्टैंड, आई हैव नो इशू। अगर मेरा पीजीबीपी ही 2 करोड़ के ऊपर होता तो मेरे लिए वैसे भी एक्सेप्टेबल था, मेरे लिए वैसे भी एक्सेप्टेबल था कि मैं हायर रेट ऑफ सरचार्ज में हूं। बट जहां मेरी नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, इट विल बी एन अनड्यू हार्डशिप ऑन मी, एंड आई रिक्वेस्ट यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज। आई एम अ टैक्स मैन, मेरे को इससे प्रॉब्लम नहीं है कि मैं टैक्स पे कर रहा हूं। ये 25% को कम करके 15 कर दो ना यार। और ये मैं आपसे हर केस में नहीं मान रहा, मान के चलिए अगर मेरा पीजीबीपी ऑलरेडी 2 करोड़ के ऊपर होता, जैसा कि प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर में था, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बिकॉज मेरा माइंड बहुत क्लियर था मेरे को एनहांसर चार्ज देना है। बट इस केस में मेरा नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, एंड दिस इज नॉट कवर्ड इन सिचुएशन नंबर, दिस इज नॉट कवर्ड, ध्यान से समझिएगा, दिस इज नॉट कवर्ड इन सिचुएशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज नीदर कवर्ड इन सिचुएशन नंबर 2, नीदर कवर्ड इन सिचुएशन नंबर 5। तो अगर मेरी इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला के 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, विच इज नॉट कवर्ड इन 2 or 4 or 5 कैटेगरी, आई रिक्वेस्ट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रिड्यूस द अनड्यू हार्डशिप। और मुझे आप क्या प्रोवाइड कर दीजिए, आप लोअर सरचार्ज रेट प्रोवाइड कर दीजिए। आ जाओ 6 सिचुएशन। इफ टोटल इनकम including dividend, long term capital gain, short term capital gain under 111A exceeds 2 crore but not covered in situation 4/5, यहां तो बाई डिफॉल्ट में 15 है, यहां हायर हो सकता था, सरकार ने यहां बेनिफिट दे दिया। सरकार ने क्या किया, यहां पे बेनिफिट दे दिया। डन है? ऐसे कैसे समझेगा, आप तो जानते हैं अपन एवरेज बच्चे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। चलिए नोट्स का प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व कीजिए। एक छोटा सा टाइपो एरर है, उसको आप रेक्टिफाई कीजिएगा। यहाँ पे 111 ए होना चाहिए, दैट्स अ टाइपोग्राफिकल एरर, वो शायद वर्ड में एडजस्ट करते वक्त अंदर रह गए। चलो प्रॉब्लम नंबर 8 वॉज गिवन एज होमवर्क, प्रॉब्लम नंबर 9 अब ही सॉल्व कीजिए। Done. Should I help you a little?
इज इट 7029375 बिफोर HEC? ₹73,10,550 should be your answer. You getting it? So now, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना. आपने सरचार्ज का कंसेप्ट पूरा समझ लिया इंडर द ओल्ड टैक्सेशन कंसेप्ट, ठीक है? 115 BAC के साथ इसको वापस से अलग से समझाऊंगा. ध्यान से समझना अब इस बात को. ऑल 9 प्रॉब्लम्स यू हैव डन अंडर योर प्रैक्टिस मॉड्यूल. ओके, लेट मी टेल यू वन एडवांस टैक्स प्लानिंग क्वेश्चन अंडर द टैक्सेशन. दिस इज गोना बी एडवांस प्रॉब्लम. ये एडवांस प्रॉब्लम रहेगा तो थोड़ा सोच समझना है इसके ऊपर. इट विल बी सरचार्ज बेस्ड बट एनहांस प्रॉब्लम. पहले नोट्स में आओ. नोट्स के अंदर में आकर के लिखो ऑल्सो रेफर यहां पे. ऑल्सो रेफर एडवांस क्वेश्चन ऑन सरचार्ज विथ टैक्स प्लानिंग ऑन पेज नंबर, ठीक है? जो भी आपका पेज नंबर पे आप एग्जाम्पल लिखने वाले हो वो पेज नंबर वहां पे मेंशन कर दो. अभी से पेज नंबर डाल दो. 10-10 बार बोल रहा हूं पेज नंबर डाल दो बिल्कुल रजिस्टर में हर जगह पे, ठीक है? चलो लेट मी टेक यू थ्रू अ वेरी फैंटास्टिक एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ऑन टैक्स प्लानिंग एंड सरचार्ज. एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना. सपोज आपका PGBP आ रहा है 2.50 करोड़, आपका डिविडेंड इनकम आ रहा है 52 लाख, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 आ रहा है 30 लाख, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ही आ रहा है 15 लाख, एंड आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A आ रहा है 8 लाख. बराबर, चलो टोटल कर लो. इज इट 3,55,00,000? बराबर. अगर आपका ध्यान बहुत अच्छे से होगा लेक्चर में तो आप प्रॉब्लम देख के ही एक इशू को क्लिक कर लेंगे. लेट मी चेक आप ये इशू क्लिक कर पा रहे हैं क्या. इज देयर समथिंग वियर्ड इन दिस क्वेश्चन? Should I tell you? Dividend is weird. Sir, why dividend is weird? Dividend is taxed at normal rate. Enhanced surcharge is not applicable to dividend. And this will change the whole game. This will change the whole game, believe me. Under the taxation, this will change the whole game. लेट अस स्टार्ट टुगेदर, ठीक है? चलो अज्यूम कर लेते हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया. अब हम इसके ऊपर क्या निकालते हैं? टैक्स निकालते हैं, ठीक है? चालू पड़ जाओ अपने क्लीन फॉर्मेट के साथ. चालू पड़ जाओ. हेल्प कीजिएगा मेरी. इज इट 70,000? Is
इज इट 17,000? इज इट 2,25,000? Is it 6 lakh? Now stop. यहीं पे रुक जाइए. Up to 10 lakhs, there is no tax. That is 1,12,500. Beyond 10 lakh, the income is subject to 30%. But the issue is, ये जो 10 लाख पहले मेरे को एडजस्ट करने हैं, मैं किससे करूं? लॉ का लूप होल समझाने जा रहा हूं और क्लाइंट का टैक्स कैसे कम कर सकते हो लीगली वो बता रहा हूं. ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको किताबों में मिलेगा नहीं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं. ध्यान से समझ, अप टू 10 लाख द टैक्स इज 1,12,500, बट उसको मैं किधर से एडजस्ट करूं? पीजीबीपी से एडजस्ट करूं या डिविडेंड से एडजस्ट करूं? क्योंकि डिविडेंड एंड पीजीबीपी बोथ आर टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट. पर आपने देखा होगा मैंने दोनों को लिखते वक्त भी अलग लिखा. मैंने क्यों लिखते वक्त अलग लिखा? क्योंकि जब मैं सरचार्ज कैलकुलेट करूंगा, सरचार्ज दोनों पे डिफरेंट है. डिविडेंड पे जो सरचार्ज है दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15%, वेयर एज पीजीबी पे जो सरचार्ज है दैट विल बी 25%. आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए मेरे को उन दोनों को अलग अलग लिखना था. अब अगर अलग अलग लिखना है तो मेरे को टैक्स भी अलग ही कैलकुलेट करना है, ऑब्वियस ही बात है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज कैसे करूं? 10 लाख में किधर से माइनस करूं? चलो अंडरस्टैंड, अगर मैं ये 10 लाख पीजीबीपी से एडजस्ट करता हूं तो मेरा टैक्स सेव हो जाएगा. पूछिए क्यों? सरचार्ज इज हायर इन पीजीबीपी. मैं डिविडेंड से भी वो 10 लाख माइनस कर सकता हूं और बची हुई पूरी इनकम पीजीबीपी एंड बैलेंस ऑफ डिविडेंड मैं सीधा 30% पे टैक्स कर दूं, या पीजीबीपी से 10 लाख माइनस कर दूं, ठीक है, और बची हुई पूरी इनकम पीजीबीपी प्लस डिविडेंड को 30% से टैक्स कर दूं. डिफरेंस कहां आएगा? हायर टैक्स आने वाला है पीजीबीपी में अगर मैंने डिविडेंड से एडजस्ट कर दिया तो. अगर टैक्स हायर होगा तो पीजीबीपी प्रपोर्शनेट डिविडेंड भी क्या होगा? हायर. पीजीबीपी प्रपोर्शनेट डिविडेंड भी क्या होगा? हायर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो चलिए ध्यान से, हम एडजस्ट करते हैं पीजीबीपी से. व्हाट इज द टैक्स? अच्छा, 52 लाख पे डायरेक्टली 30% मारूंगा आप? अरे डिविडेंड पे तो पूरा 30 मारना पड़ेगा ना ब्रो, पूरा 30%. सर क्यों 30%? एनी इनकम बियॉन्ड 10 लाख इज सब्जेक्ट टू 30%. 10 लाख हमने ऑलरेडी पीजीबीपी में एडजस्ट कर दिए, बराबर. नाउ टेल मी सरचार्ज, डोंट यू थिंक 1, 2, 3, 4 चारों पे 15% आएगा?
इज योर टोटल टैक्स कमिंग टू 1,19,63,875? वन करोड़ 24,42,430, डोंट यू थिंक सो? बराबर, इसके नीचे जैसे आप एसएमएस लिखते हो इंग्लिश में लिखना है, ब्रैकेट में जैसे इंग्लिश में लिख रहे हो ऐसा समझ लो अपने आप को एक मैसेज लिख रहे हो, लिखो माई नोट। ये जो माई नोट है, ये जो माई नोट है, ये हमेशा सिर्फ आप अपने लिए यूज करेंगे, एग्जाम में कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है? हमने हमने जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स है उसे पीजीबीपी से एडजस्ट किया, पीजीबीपी से एडजस्ट किया, ना कि डिविडेंड इनकम से, ना कि डिविडेंड इनकम से, एंड दिस हैज सेव्ड अवर ओवरऑल टैक्स, एंड दिस हैज सेव्ड अवर ओवरऑल टैक्स समझ में आया? दिस हैज सेव्ड अवर ओवरऑल टैक्स कैसे? कैसे? अगर हम इसको डिविडेंड से एडजस्ट कर देते तो पीजीबीपी का जो टैक्स पोर्शन है वो 30% से ज्यादा हो जाता, यस, ऑन दैट स्पेसिफिक अमाउंट, और उस पर आप क्या निकालते? हायर सरचार्ज। तो ये एक हैक है, एक्चुअली ये एक लूप होल है जिसको गवर्नमेंट ने अब तक भरा नहीं है। ये एक्चुअली एक लूप होल है क्योंकि उनने इस बात की भी प्रायोरिटी नहीं दी कि एडजस्ट किससे करना है, नॉट देर इज एनी ऑप्शन, नॉट देर इज एनी ऑप्शन टू चेक इट, उसमें ऑप्शन भी नहीं है। समझ में आ रही बात कि इसको ऐसे इस तरह से सेग्रीगेट करा जाए? शानदार, आ जाओ बच्चे। तो हमने क्या किया सर? हमने सरचार्ज को भी क्या कर दिया? ओवर। सरचार्ज को भी क्या कर दिया? ओवर फॉर द पर्पस ऑफ नॉर्मल टैक्स। चलो जी, अब अगर आप देखेंगे हमारे पास 6 एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। मैंने आपसे कहा था 6 एडजस्टमेंट करनी है, 6 एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। चलो एक बार आप अपना चार्ट देखिए, आपका चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा होगा। इंडिविजुअल बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, इनके लिए एक स्लैब लिमिट दी है, और नीचे कुल मिलाकर के 6 नोट दी है टैक्स कैलकुलेशन की। ये जो 6 नोट्स है ये तीनों के लिए क्या है बेटा? कॉमन। ये तीनों के लिए क्या है? कॉमन। तो अब आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। इस चार्ट के सेकेंड पार्ट को फिल करने का समय आ गया है। इंडिविजुअल रेसिडेंट 60 और अबव अप टू 80 इयर्स, यस, टोटल इनकम परसेंटेज शॉर्टकट। वंस यू हैव अचीव्ड 60 इयर्स, इनकम टैक्स कंसिडर्ड यू रेसिडेंट, एंड इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, यस, दे कंसिडर यू रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, इन केस ऑफ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन अप टू 3 लैक्स, बोलो बेटा, डैश, ये सुनो,
देन अबाउट 10,30,000 आई थिंक ओनली द स्लैब हैज चेंज. इंस्टेड ऑफ 2,50,000 हम कितने पे आ गए बोलो जल्दी से, 3 लैक्स. सर देयर इज एन असेसी हु इज नॉन रेसिडेंट 72 years ऑफ एज, विच स्लैब इज एप्लीकेबल? इज इट द फर्स्ट स्लैब? यस. याद रखिएगा ये स्लैब तभी एप्लीकेबल है व्हेन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट. अगर असेसी नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए स्लैब रेट हमेशा 2,50,000 वाला यूज होने वाला है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट इज इंडिविजुअल रेसिडेंट 80 और अबव. इस स्लैब में आने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है. पहली बात आप जिंदा होने चाहिए. जिंदा होने चाहिए. दूसरी बात आप इनकम भी कमा रहे होने चाहिए तो आप इस स्लैब में आएंगे. टोटल इनकम परसेंटेज टैक्स अप टू 5 लाख. ट्वेंटी परसेंट शॉर्टकट इज 1 लाख. अबव 10 लाख्स 30% डैश. चलो जी. सो अगर एसएससी रेसिडेंट है, सुपर सीनियर सिटीजन है, इन्हें क्या कहा जाता है? सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए टैक्स रेट अप टू 5 लाख रुपीज. सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सुपर सीनियर सिटीजन डज नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ रिबेट? लॉजिकली 5 लाख तक के टैक्स ही नहीं है तो इनको रिबेट का बेनिफिट लेकर के भी कोई लॉजिक नहीं है. यस ऑर नो? अब आपका चार्ट देखिए, ये चार्ट पूरा फुल हो चुका है. मात्र 3 पेजेस के अंदर में आपने पूरे कंसेप्ट को डाल दिया, राइट? इंडिविजुअल्स के सारे HUFs, AOP, BY, AJP के सारे टैक्सेस के अंदर में क्या हो गए? कवर हो गए. सॉर्टेड है ब्रो. सिर्फ एज बदल गई तो कैलकुलेशन आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा. डन. चलिए आते हैं आगे, टैक्स रेट फॉर अदर्स. बराबर है? अब हम आते हैं आगे. अगर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में भी एज इट इज़ है. इनकम टैक्स के 2 रेट्स थे, याद करो बेटा कौन से? नॉर्मल और स्पेशल. इसमें स्लैब रेट आपको दिए हुए हैं, स्लैब रेट आपको एज इट इज़ दिया हुआ है. आता हूँ मैं CBDT के क्लैरिफिकेशन पे. ये क्लैरिफिकेशन बड़ा अजीबो गरीब है. यस, प्रभु दयाल सेस्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में एक बड़ा अजीब केस हुआ. इसके बाद डिपार्टमेंट ने इस केस के बेसिस पे सर्कुलर भी निकाल दिया. अब हुआ क्या जरा समझिए. इफ अ पर्टिकुलर एसएससी बिकेम्स सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन ऑन 1 अप्रैल. अब 1 अप्रैल के साथ इशू क्या है? एवरी 1 अप्रैल असेसमेंट ईयर चेंज हो जाता है. तो मान के चलिए प्रीवियस ईयर में आप कौन थे? नॉन सीनियर. अप्रैल के दिन आप क्या बन गए? 1 अप्रैल को ही सीनियर सिटीजन. क्वेश्चन अराइजेस, विल ही बी एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और लोअर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? दैट्स अ वेरी सेंसिबल पॉइंट. लेकिन ये सिर्फ 1 अप्रैल वालों के लिए, 2 अप्रैल वालों के लिए नहीं है. ये 2 अप्रैल वालों के लिए है तो बाय डिफॉल्ट में तुम्हारा वो सिचुएशन नहीं था जो ये सिचुएशन है. असेसी ने प्लीड किया कि मेरे को हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलना चाहिए.
डिपार्टमेंट ने बोला एक मिनट, आप प्रीवियस ईयर में नॉन सीनियर सिटीजन थे, इवन दो यू आर पेइंग द टैक्स इन असेसमेंट ईयर, बट आई एम सॉरी, आपको हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिल सकता। असेसी कहता है सर एक मिनट, मेरा बर्थडे 1 अप्रैल को है, बराबर है, पर मेरा बर्थडे तो 31 मार्च की रात 12 बजे से शुरू हो गया। आप चेक कर लीजिए, आई थिंक आपका भी बर्थडे इसी तरीके से मनाया जाता है। बर्थडे तो रात 12 बजे से शुरू होगा ना। देख भाई बात क्लियर है, बात सुन, बर्थडे और उपवास रात 12 बजे से चालू हो जाते हैं। 12 बजे का क्राइटेरिया क्लियर है, और जिस दिन उपवास रहा 12 बजे खत्म, मतलब नया दिन लग गया। समझ में आ रही है बात? और मान लीजिए, नहीं नहीं सर मेरी एक बात सुनिए, आप डिपार्टमेंट वाले हैं, मान लीजिए आपकी बाबू सोना जादू टोना का बर्थडे है, आप उसको कल सुबह विश कीजिए, बर्थडे है तो रात 12 बजे विश मत कीजिए, फिर आपको विश मिलेगा तब समझ आएगा। कैसी बातें कर माय लॉर्ड, कैसी बातें कर रहा है ये आदमी। पर सर प्रीवियस ईयर में तो आप नॉन सीनियर सिटीजन थे, और उस ईयर की इनकम जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब तो आप नॉन सीनियर थे। सर देखिए प्रीवियस ईयर की इनकम छोड़िए, प्रीवियस ईयर रात 12 बजे, ना मैं इधर होता हूं ना मैं उधर होता हूं, मैं बीच में होता हूं, तो मेरे को तो हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लगेगा नहीं। मैटर को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने भी फाइनली ये डिसाइड किया कि यस, बर्थडे टेक्निकली रात 12 बजे चालू हो जाता है, तो अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल है, टेक्निकली ही हैज अटेंड द एज 1 डे प्रायर टू हिज बर्थडे, सो ही हैज अटेंड द सीनियर सिटीजन एज ऑन 31 मार्च इटसेल्फ, एंड दस ही इज एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। Thus, he is eligible for higher basic exemption limit. गजब का केस, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब इसको एग्जाम में पूछ लेना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत सरदर्द वाला मैटर है। देखो क्लैरिफिकेशन है, सर्कुलर भी निकाला गया है, केस लॉ भी है, बट मुझे लगता है फाइनल लेवल पे इसे पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। Yes, और जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे टैक्स बेस वगैरह, इसमें बाई डिफॉल्ट के अंदर में क्या हो जाता है, वो पकड़ लेता है आपको, सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में ही पकड़ लेता है। सो आइए, एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल 60th or 80th बर्थडे फॉल ऑन 1 अप्रैल शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग कंप्लीटेड द एज 60 years or 80 years ऑन 31 मार्च 2024 ओनली, दैट इज प्रीवियस ईयर। यस ऑर नो? And hence would be eligible for higher basic exemption limit of 3 lakh and 5 lakh based on the case law Prabhu Dayal Sismana. Case law याद रखिएगा, ना इस provision को बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत है। डने मालिक, चलिए नीड ए ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे के सॉल्व करेंगे या पहले कर लें? पहले ब्रेक कर लें, डन। सो यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम लोग टैक्स रेट फॉर अदर्स देखेंगे।
चलो यस सर, वेलकम आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल के टैक्सेस को देखा। स्टिल वी हैव नॉट डन विद द टैक्सेस ऑफ फर्म, टैक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्सेस ऑफ कंपनीज। सो इट्स टाइम टू गो फॉर दैट एस्पेक्ट्स एज वेल। सबसे पहले आते हैं rate of tax for firm LLPs and local authorities. Now, firm LLPs and local authorities are exposed to tax directly at the rate of 30%. Yes or no? They are exposed to tax directly at the rate of 30%. There is no basic exemption limit for other entity. चलिए मैं आज आपको कुछ इसके पीछे के लॉजिक बता देता हूं कि क्यों इन्हें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बेनिफिट नहीं मिलते और क्यों सिर्फ इंडिविजुअल्स HUFs को ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बेनिफिट्स दिए गए हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, ह्यूमन है तो उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर, आज एक हम मध्यम से मध्यम परिवार की भी बात करें तो उसका मंथली एक्सपेंडिचर मिनिमम 20,000 तो हो गई, से यस और नो, राइट? 20,000 तो हो गई, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो तो हो जाता है 2,40,000, 10,000 दिवाली या हॉस्पिटलाइजेशन के एडिशनल अमाउंट दे दिया गया। दैट हाउ गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं क्या कंसिडर किया, 2,50,000 का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। लेकिन इसको उस तरीके से ध्यान में रखा गया कि भैया एक अगर नॉर्मल स्टूडेंट है तो ये सिचुएशन है, अगर वो परिवार लेकर के चल रहा है तो जाहिर सी बात है उसको 5,00,000 कर दीजिए। दैट्स हाउ रिबेट कंसेप्ट अराइज्ड। ये रिबेट के लिए 5,00,000 डबल बढ़ जाते हैं खर्चे परिवार आता है जब। अब हुआ क्या जरा समझिए, कंपनीज फर्म्स लोकल अथॉरिटीज दिस आर नॉट इंडिविजुअल, इनको कोई रिश्तेदारी नहीं है साल भर में आने वाले। यस, इनके कोई बाबू सोना है नहीं, इनका कोई धर्म पत्नी है नहीं कि संडे के दिन मैं नहीं खाना बना रही तुम देख लो। यस, आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी, ये चाहिए खाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रही, ऐसा कुछ है नहीं ना इनके केस में। इनके केस में ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, इसीलिए दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू 30%। यस और नो? अच्छा जी, सो टैक्स रेट इज 30%। सरचार्ज है क्या सर इन्हें? आंसर इज यस, इन्हें सरचार्ज भी है, बट द सरचार्ज इन केस ऑफ फर्म LLP लोकल अथॉरिटी स्टार्ट्स अबाउ 1 करोड़। सो इफ द इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ द रेट ऑफ सरचार्ज इज 12%। द रेट ऑफ सरचार्ज इज 12%। तो जो हम लोगों ने एनहांस सरचार्ज ये वो कंसेप्ट पढ़ा वो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनके लिए 1 करोड़ के ऊपर 12% एंड HEC तो 4% से है ही, HEC तो 4% से है ही। तो रजिस्टर में जाइए, टैक्स रेट्स फॉर अदर्स, आप चाहें तो वो जो एक सिंगल पेज आपका बचा था ना वहां पे भी आप लिख सकते हो, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर फर्म LLP लोकल अथॉरिटी टैक्स रेट इज एट द रेट ऑफ 30%, सरचार्ज if income exceed 1 crore at the rate of 12%, HEC is at the rate of 4%. Okay. कनेक्शन छूट गया, जोड़ देंगे। जी मैं मोमेंट, इसका कनेक्शन इशू आ रहा है, 2 मिनट।
चालू है, ये तो चालू है। देव सुनना, नहीं नाउ चेक, आ गया क्या? यस सर, व्हेन इट कम्स टू टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज, वापस सोच के बताइए, वेदर कंपनीज के कुछ मंथली एक्सपेंडिचर होंगे, घर बार भी हुए बच्चे, आंसर इज नो। तो वेदर दे विल बी गेटिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आंसर इज नो। दे विल बी गेटिंग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आंसर इज नो। तो इनके लिए टैक्स रेट क्या हुआ, ध्यान से सुनना। यहां पे आएगा फॉरेन कंपनी, यहां पे आएगा इंडियन कंपनी, यहां पे आएगा इंडियन कंपनी। इसका हिस्ट्री सुनेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने आपको इसका हिस्ट्री कल भी शायद रेफर किया था कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले कंपनी को कमिट किया कि 2019 तक के हम क्या करेंगे, टैक्स रेट को 25% पे लेके आएंगे। फिर आकर के इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो साल पहले के टर्नओवर को क्राइटेरिया बना दिया, किसके लिए, रिड्यूस टैक्स रेट के लिए। तो आज इनका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, इंडियन कंपनीज के लिए भी इनके दो क्राइटेरिया है। इंडियन कंपनीज के लिए इनका क्राइटेरिया है दैट इफ इफ the turnover in 21-22, now this is amended, पहले यहाँ पे 2021 लिखा था, फाइनेंस एक्ट ने इसे अमेंड कर दिया है। टर्नओवर इन 21-22 does not exceed, बोलो बेटा, 400 crore। अब ये जो लिमिट है ये 400 करोड़ पे आ चुकी है। फाइनेंस एक्ट 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने बड़े प्राउड से कहा था 400 करोड़ के अंदर में हम इंडिया की मैक्सिमम कंपनी को कवर कर रहे हैं। दिस 400 करोड़ इज अ टर्नओवर, बिलीव मी, दिस 400 करोड़ इज अ टर्नओवर। अब ध्यान से सुनिए, आपका प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, आपका प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, 23-24 में खड़े रहकर आपको 23-24 का टर्नओवर नहीं देखना है, टर्नओवर कब का देखना है, 21-22। Are you getting it? 20, आज इसका turnover 100 करोड़, you know, 400 करोड़ से ऊपर चलेगा तो भी 25% आएगा। आपको जो turnover देखना है वो 21-22 का turnover देखना है। So problem में कहीं ना कहीं आपको turnover जरूर दिया होगा 21-22 का, yes or no? अगर ऐसा है, आपका total income अगर up to 1 करोड़ है तो टोटल इनकम इंटू 25% प्लस 4%, व्हाट इज दिस 4%, एचईसी 1 करोड़ टू 10 करोड़ ब्रैकेट, टोटल इनकम इंटू 25% प्लस 7% प्लस 4%, अबव 10 करोड़ टोटल इनकम इंटू 25% प्लस 12% प्लस 4%, डन है मालिक। तो क्या कर दिया गया है, वापस से सुनिए, सरचार्ज फिर चेंज हो चुका है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे,
सरचार्ज फिर चेंज हो चुका है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। सरचार्ज पर्सन टू पर्सन क्या कर दिया उन्होंने, अलग कर दिया। और डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज जो रखा गया वो कितना परसेंट रखा गया है, 7% एंड 12% रखा गया है। अब मान लीजिए जो कंपनी अदर्स की कैटेगरी में आ रही है, मतलब जिनका टर्नओवर ऑलरेडी 400 करोड़ के ऊपर था, या तो न्यू कंपनी जो अभी अभी फॉर्म हुई है, यस, इनके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, टोटल इनकम इंटू 30% प्लस 4%। यहां इनके लिए क्राइटेरिया बन जाएगा टोटल इनकम इंटू 30% प्लस 7% प्लस 4%। यहां इनके लिए क्राइटेरिया बन जाएगा टोटल इनकम इंटू 30% प्लस 12% प्लस 4%। डन। फॉरेन कंपनीज के केस में एनीवन जल्दी से बताओ, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ रुपीज है, 40% प्लस 4%। फॉरेन कंपनीज के केस में जो टैक्स रेट रखे गए हैं ये 40% रखे गए हैं। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज जानते होंगे, लाइक मैकडी हो गए, डोमिनोज हो गए, यस, आपको सच में लगता है ये 40% देते हैं? नहीं, ये डबल टैक्सेशन के भी बेनिफिट्स उठाते हैं, DTAA के भी बेनिफिट्स उठाते हैं। इनका इफेक्टिव टैक्स रेट उतना आता नहीं है, 1 करोड़ to 10 करोड़, 40% प्लस 2% प्लस 4%। सरचार्ज रेट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनीज 2%। ऑब्वियसली उनका टैक्स रेट आपने पहले ही हाई रखा है, सरचार्ज रेट को आपको लो रखना पड़ेगा। अबव 10 करोड़, 40% प्लस 5% प्लस 4%। डन। चलिए, कंपनीज के लिए भी ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, लिखेंगे उस बारे में भी। देखो अब किस किस के टैक्स हो गए, इंडिविजुअल्स के हो गए। मैं एक काम करता हूं, एग्जाम्पल नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8, एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर आप जो भी है लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज। विज्जू लिमिटेड has turnover in 21-22 of rupees 320 crore, provides you following information. Total income 4 crore 60 lakhs. चलो फटाक से टैक्स निकाल दो 2 मिनट में कैलकुलेट करके। व्हाट इज द फाइनल आंसर?
एनीवन व्हाट इज द फाइनल आंसर? सर फॉरेन कंपनीज के लिए कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है क्या? नहीं जी, फॉरेन कंपनीज के लिए आपको कोई टर्नओवर लिमिट्स नहीं है। वन पॉइंट थ्री, मतलब एक कंपनी का टैक्स रेट निकालते वक्त भी तुम इतने गड़बड़ कर रहे हो? समझ में आया क्या गड़बड़ कर रहे हो? 4 करोड़ 60 लाख पे कितना परसेंट? 25% प्लस 7% प्लस 4%, दैट विल कम टू 1 करोड़ 27 लाख 97,200। गड़बड़ समझ में आया? सरचार्ज रेट 7% कंपनी है ना, नीचे लिख ब्रैकेट में माई नोट, लिख 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 ब्रैकेट में माई नोट, जहां गलती करी वहां पे। टैक्स रेट 25% होगा, सरचार्ज रेट 7% होगा। ये बुक आपकी है, आप अपने लैंग्वेज में जिस तरीके से बनाना चाहेंगे उस तरीके से आपको मजा आएगा। तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। वापस आते हैं, टैक्स रेट फर्म के लिए देख लिया, लोकल अथॉरिटी के लिए देख लिया, एलएलबी के देख लिया, कंपनीज के लिए देख लिया। एक और असेसी बचता है, कौन सा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस बार तो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। यस, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी क्या आया है? बहुत बड़े चेंजेस आए हैं जिसको हम देखेंगे। आप जानते हैं इस बार जब हम 115 BAC पढ़ते रहेंगे, रिबेट में भी मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लाया है। मतलब रिबेट में मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लेकर के आए हैं ये लोग, बताएंगे, डिस्कस भी करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखेंगे तो इसके टैक्स रेट क्या हैं? भाई साहब, कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट्स अप टू फर्स्ट 10,000 इट विल बी 10%, नेक्स्ट 10,000 इट विल बी 20% ऑन द बैलेंस इट विल बी 30%। बराबर, इफ प्लस इसके आगे की बात करें सरचार्ज की, प्लस इसके आगे की बात की जाए किसकी बेटा? सरचार्ज की। एनीवन कुछ याद आ रहा है इनका सरचार्ज रेट कितना था? एनीवन कुछ याद आ रहा है इनका सरचार्ज रेट कितना था, कितना है? बोलो बोलो, इनका सरचार्ज रेट कितना था, कितना है? इफ द इनकम इज बिटवीन 1 to 10 crore, 7%, अबव 10 crore, 12%। दिस इज द होल न्यू थिंग यू आर लर्निंग। आप जब इंटर में रहे होंगे आपने पढ़ा होगा, अगर इनकम 1 crore के ऊपर जा रहा सरचार्जेस 12%। लास्ट ईयर इन्होंने ये डिफरेंशियल क्राइटेरिया ऐड कर दिया दैट इफ इनकम एक्सीड 1 crore सरचार्ज विल बी 7% एंड इफ दे एक्सीड 10 crore इट विल बी 12% इन लाइन टू कंपनीज टैक्सेशन। देन यू विल हैव HEC एट द रेट ऑफ 4%। देन यू विल हैव HEC एट द रेट ऑफ 4%। तो ये ऑल टुगेदर न्यू बॉल गेम था जो आपके लिए अवेलेबल था। क्लियर है? कोऑपरेटिव का टैक्स हम लोग निकालना सीखेंगे। क्या आप जानते हैं कोऑपरेटिव का एक पूरा चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वहां पे भी देखेंगे। पहले यहां समझ लेते हैं एग्जांपल नंबर 9 में। वैसे मैं आपको बता दूं, आज तक के कभी भी कोऑपरेटिव से रिलेटेड टैक्स पूछा नहीं है, पर मुझे लगता है आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए इसे जरूर पूछेंगे, जिसके 3 मेजर रीजंस है। मेजर रीजन नंबर 1, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स ये लोग बहुत पहले ही ला चुके हैं, लेकिन आज तक कभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया।
दूसरा इस साल तो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में भी अमेंडमेंट है इनके, तो उस वजह से ये आपको पूछे जाने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। यस और तीसरा ये एक यूनिक क्वेश्चन होगा जिसको आज तक के पूछा नहीं गया है, तो एग्जामिनर 80P के साथ आपको टैक्स पूछ लेगा और एक यूनिक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा जो ऑलमोस्ट किसी बुक में नहीं होगा। बहुत क्लियर कर दूं कि बॉस डायरेक्ट टैक्स का पेपर हर बार नया ही होता है, आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन को देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन डीटी के अंदर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हर साल अमेंडमेंट आता है, तो क्वेश्चन का वराइंस इतना ज्यादा है कि आपको हमेशा एक क्वेश्चन जो मिलेगा वो न्यू ही मिलेगा। तो आप किसी का भी क्वेश्चन बैंक उठाओ इंक्लूडिंग मेरा, राइट, आप कुछ भी क्वेश्चन बैंक उठाओ, आप कुछ भी उठाओ, आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो उस टाइम पे यूनिक थे। आज ये क्वेश्चन के मोटे मोटे तौर पे सब कुछ सेम रहेगा, पर आपके अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल नया होगा, उनमें से मैचिंग ही नहीं होगा, बिल्कुल मैचिंग नहीं होगा। को ऑपरेटिव टैक्सेशन, जेड को ऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड्स टैक्सेबल इनकम ऑफ रुपीज 2.30 करोड़, कैलकुलेट टैक्स। चलो ट्राई करो। एनीवन कितना आ रहा है? 76, 74, 980 मैक्सिमम। ऑनलाइन भी यही जवाब आ रहा है। देखिए पहले 10,000 पे 10%, विच मीन्स 1,000, नेक्स्ट 10,000 पे 20%, विच मीन्स 2,000, और बचा जितना बैलेंस है, मतलब 2 करोड़ 30 लाख्स में से 20,000 निकाल दो तो 22.98 करोड़, बराबर 22.98 करोड़ के ऊपर आप कितना परसेंट लगाएंगे, बोलो जल्दी से। 30%, विच विल कम्स टू 68,94,000, प्लस पहले के 3,000 चिल्लर जोड़ दो, 68,97,000। दिस विल बी रेज्ड विथ सरचार्ज एट द रेट ऑफ 482790, दैट विल कम टू विथ HEC एट द रेट ऑफ 4%, 1,92,764,982, विच विल बी राउंडेड ऑफ टू 7,674,980। एवरीबॉडी
बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपका नॉर्मल टैक्स रेट खत्म हुआ। असेसीज देख लीजिए, इंडिविजुअल HUF पर्सन की डेफिनेशन याद करो, इंडिविजुअल टैक्स इट डन, HUF टैक्स इट डन। तीसरा फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी AJP, सबके टैक्स इट डन। इसके अलावा कोऑपरेटिव को स्पेशल टैक्स इट दिया था हमने, वो भी क्या कर लिया डिस्कस कर लिया। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, मूवमेंट। लेट मी टेल यू द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। अब आप फ्रेश पेज पे आ सकते हैं। ऑल टुगेदर एग्जाम्पल्स जितने भी थे वो खत्म हो गए, अब सीधे अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, तो आप फ्रेश पेज पे आ सकते हैं। मार्जिनल रिलीफ, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया आज, ये बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा भाई, इसका प्यार हमारे लिए कम हो गया लगता है। और एक तो ये अजीब क्या चालू हो जाता है एप्पल टीवी में, मेरे को तो डर लगता है किसी दिन यहाँ पे कुछ अजीब ना आ जाए, ऑनेस्टली डर लगता है मेरे को। एक तो वो ऑटोमेटिक है यार, कुछ भी आता है वो हिस्ट्री के बेसिस पे, नहीं मेरे हिस्ट्री इसमें नहीं चलेगा रे, मान ले मोबाइल होता तो समझ भी आता हाँ पर वो इधर आता नहीं है, प्राइवेट विंडो या इग्निटो, क्या इग्निटो मोड बोलते ना उसको, इनकॉग्निटो मोड। आई नीड एयर, आज कनेक्शन इशू है भाई साहब, मैं बाहर जाके आता हूँ और ये चलने लग जाता है सही में, मतलब इस गेट का कुछ कनेक्शन है उससे। हाय यार, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है यार ये लाइफ में जो बच्चा पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव देख रहा है ना, बताया है उसको ये सब दिखता ही नहीं कि टीचर के टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस बहुत अलग हो जाते हैं। ये सब पार्ट कट हो जाता, ये सब पार्ट उसमें से कट हो जाता, बराबर है, उसको लगता कंटिन्यूस चल रहा, कंटिन्यूस चल रहा, कंटिन्यूस चल रहा। बट जो बच्चा फेस टू फेस बैठता ना, वो खुद देखता है कि टीचर के अपने इश्यूज होते हैं ये टेक्नोलॉजी के साथ यू नो वर्क करने में, कभी वायर निकल रहा है, कभी ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। आज शायद इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है किसी रीजन की वजह से। नहीं रहा यार ये, ये भी चालू है, सर चेंज द सिस्टम, अब तो सरकार भी बदल गई, सिस्टम भी चेंज हो सकता है। बट पता है इशू सिस्टम का नहीं है, सिग्नल्स के हैं। क्या करेंगे, कनेक्ट नहीं हो रहा ये तो, वही करता हूँ। जितने लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं 2 मिनट होल्ड कीजिए, मेरे हिसाब से सिस्टम को मैं बंद करके चालू कर लेता हूँ एक बार।
देख रहे हो ये इधर उधर कुछ तो दिखता है। आदमी बोलता है काम करो जब तक के ट्रेलर तो देख लो। अरे संदीप भैया आ गया क्या? पूरा सीरीज आ गया क्या? अभी जो ये रेफर बोल रहा था, ये जो बोल रहा था पूरा सीरीज आ गया क्या? ओ संदीप भैया का एस्पायरेंट्स वाला देख लिया होगा तूने तो। हाँ मैं तो इतने वीडियो देखता रहता तो ये भी एक देख लिया होगा। हाँ मतलब होमवर्क एक बहाना है, बात समझ रहे हो? बोल क्या रहा है तेरी बात समझना। सर बहुत सारे होमवर्क थे इसी के लिए मैं नहीं कर पाया। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। अभी तुमको मजा तब आएगा जब पीजीबीपी के होमवर्क आएंगे। आ गया क्या? कनेक्ट हुआ ना? लो भाई इंडियन सिस्टम ऑलवेज वर्क। कोई चीज वर्क नहीं कर रही है बंद करके चालू करो। ये सुनो, या तो उसको ऐसे ऐसे से ठोको। चलो जी इंसानों के तू तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहता है ना? सर मैसेज करना बंद कर दिया। एक काम करो इसको पहले स्विच ऑफ करो फिर स्विच ऑन करेंगे। हाँ जी, तो जितने बच्चे पेन ड्राइव में देख रहे हैं आपका कुछ कट नहीं हुआ है। एक्चुअली एक तकनीकी खराबी है चल रही है आज, कनेक्शन इशू आ रहे हैं किसी वजह से। यस तो ठीक है, अच्छी बात है। तो जब तक के हम बोल रहे थे कि भैया इंडियन सिस्टम ऑलवेज वर्क्स, कि कोई चीज़ चल नहीं रही है उसको थोड़ा सा मारो, थोड़ा ठोको पीटो। यस, और इसमें सबसे ज़्यादा मार मेरे हिसाब से रिमोट ही खाता है। बराबर है कि नहीं? इसमें सबसे ज्यादा मार रिमोट ही खाता है, चाहे वो एसी का रिमोट हो, चाहे वो टीवी का रिमोट हो, और कुछ नहीं। हाँ पूरा टक 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 नहीं चल रहा है, स्टार्ट करो। यस अच्छा जी, मार्जिनल रिलीफ की बात कर लेते हैं। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? छोटे वैल्यूज पे ये रिलीफ रिलीफ है ही नहीं, ये रिलीफ एक्चुअली बड़े वैल्यूज पे अराइज होता है। मार्जिनल रिलीफ आता क्यों है? व्हेन योर इनकम मार्जिनली इंक्रीज द सरचार्ज लेवल एंड विच कॉजिंग अ ह्यूज इंपैक्ट सच दैट योर टैक्स अर्न ऑन दैट इनकम इज हायर देन द इनकम एक्चुअली अर्न्ड। समझिए, यस समझिए। लिखना नहीं, सिर्फ आप मेरे को जवाब दे देना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके। सपोज योर टोटल इनकम इज जस्ट 50 लाख। सपोज योर टोटल इनकम इज जस्ट 50 लाख, कैन यू प्लीज टेल मी द टैक्स? आपका टोटल इनकम 50 लाख है, मेरे को टैक्स बताओ। अगर मेरा सिर्फ 50 लाख है तो माई टैक्स कम्स टू 13,12,500 विदाउट HEC। यस ऑर नो? विदाउट HEC। अब जरा समझिएगा, यही मैं मेरा इनकम 51 लाख कर देता हूं, अब मेरे को टैक्स बताइए। एक काम करो इसमें HEC भी ऐड कर दो, 13,12,500। फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड टोटल बन गया 13,65,000। ठीक है, यही इनकम अगर मेरा 51 लाख कर दो तो क्या डिफरेंस आ जाता है? ये बन जाता है 13,42,500, फिर आता है 13,42,50, टोटल 14,76,750, दैट इज 59,070, टोटल टैक्स कम टू 15,35,850, 820। बराबर? नाउ माई फ्रेंड्स आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। मेरी इनकम कितने से बढ़ी, मेरा टैक्स कितने से बढ़ गया? 1.70 लैक्स। अंडरस्टैंड करना, मेरी इनकम 1 लाख से बढ़ी लेकिन मेरा टैक्स 1,70,000 रुपए से बढ़ गया। आदमी सरकार को क्या बोलेगा जरा बात सुनना, आदमी सरकार को क्या बोलेगा जरा बात सुनना। ओ सर हेलो, एओ हेलो इधर आओ। ठीक है, मेरी इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ी, आपने मेरा टैक्स 1,70,000 रुपए से बढ़ा दिया। कौन सा टैक्स है ये? एओ। ठीक है,
अरे यार कैसे कर रहे हैं सर आप, इट्स द सरचार्ज इफेक्ट यू नो। मैडम मेरी बात सुनो, सरचार्ज वरचार्ज गया तेल लेने के लिए, यहां मेरी इनकम 1,00,000 रुपए से बढ़ी है, आपने मेरा टैक्स 1,70,000 रुपए से बढ़ा दिया। ये 30% टैक्स नहीं होता, ये 170% हो जाता है। देखिए मैं जान रही हूं कि आपका दिल आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं मैडम, थोड़ी नहीं बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब कमाया 1,00,000, इस पर टैक्स दे रहा हूं 1,70,000, कौन सा न्याय है? इससे अच्छा तो नहीं कमाता, नहीं दिखाता, वो चल जाता। वहां बीवी चिल्लाती रहती, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे। वो बाबू सोना करने वाली चिल्लाती रहती कि भाई तेरे पास टाइम ही नहीं है, क्या करूं मैं, आई ऑल्सो थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। यस देखिए सर मैं समझ रही हूं, मुझे आपसे बहुत क्या बोलते रहे उसको, लगाव है, पर आप समझिए ना, अंडरस्टैंड, ये एक अनड्यू हार्डशिप है। यहां इनकम मार्जिनली इस लेवल के ऊपर उठी जहां सरचार्ज का इंपैक्ट इस तरीके का आ रहा है, वेयर द टैक्स पेबल इज हायर देन इनकम अर्नड। सरकार ये बोलती है कि देखो यार ये अनड्यू हार्डशिप है, मेरे को भी समझ रहा है, बराबर है। तो ऐसे केस में सरकार क्या करती है, सरकार बोलती है कि आप जैसे टैक्स निकाल रहे थे 50 लाख पे, बिल्कुल वैसे ही टैक्स निकालिए, जितना आपने एडिशनल इनकम अर्न किया है वो पूरा का पूरा इसमें ऐड कर दीजिए, और फिर सीधा क्या कर दो, HEC ऐड कर दो, आपको सरचार्ज एडिशनली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या हायर रेट पे सरचार्ज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने मार्जिनल रिलीफ नाम का एक कंसेप्ट निकाला, सरकार ने मार्जिनल रिलीफ नाम का एक कॉन्सेप्ट निकाला, ध्यान से सुनना बेटा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसी। मार्जिनल रिलीफ सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, MCQ इट इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसी, सबके लिए एप्लीकेबल है। मतलब कंपनीज का टैक्स रेट निकाल रहे हो, फर्म का टैक्स रेट निकाल रहे हो, आप कुछ भी निकाल रहे हो, मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल है। इस साल फाइनेंस एक्ट 2023 में तो रिबेट पे भी इनने मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लगा दिया, रिबेट पे भी इनने मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लगा दिया। यस, दूसरा, मार्जिनल रिलीफ में आप जब टैक्स निकालते हो, राइट, सपोज असेसी इज इंडिविजुअल HUF, बराबर। मार्जिनल रिलीफ कब मिलेगा, जब आप 50 लाख के ऊपर स्लाइटली ऊपर जा रहे हैं। कुछ बातें आपको पहले क्लियर कर दूं, मार्जिनल रिलीफ का कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, बराबर है। ये मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट ट्रायल एंड एरर से आपको हर बार क्या करना होता है, निकालना होता है। दूसरी बात, सपोज कर लीजिए आपका इनकम 51 लाख है, आपका जो इनकम है ये क्या है, सपोज 51 लाख है, तो मार्जिनल रिलीफ जो होगा या जो टैक्स कंप्यूटेशन होगा वो कैसे करेंगे, यू विल कैलकुलेट टैक्स ऑन 50 लाख। आप क्या करोगे, 50 लाख तक पे टैक्स कैलकुलेट करोगे, यस, और इसमें ऐड कर दोगे टोटल इनकम माइनस 50 लाख, बराबर है, टोटल इनकम माइनस 50 लाख। समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10, क्या बोलते हो पार्टनर, कर दे, ठीक है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल नंबर 10, सरचार्ज ऑन 50 लाख टू 1 करोड़ कॉन्सेप्ट। सपोज कर लीजिए आपकी इनकम 51 लाख है, इसके कहे अनुसार आपको सबसे पहले निकालना चाहिए टैक्स ऑन 50 लाख, बताइए टैक्स ऑन 50 लाख, अज्यूमिंग आपकी इनकम ही 50 लाख है, तो आपका टैक्स 13 लाख 12,500, इसमें ऐड कर दें टोटल इनकम माइनस 50 लाख, जितना आपने एडिशनल कमाया है वो पूरा का पूरा ऐड कर दें।
आपने एडिशनल कितना कमाया, 1 लाख पूरा का पूरा ऐड कर दो, टोटल कितना आया, 14,12,500। अब इसमें सीधा HEC जोड़ो एट द रेट ऑफ 4%। वेदर द टैक्स पेबल इज 14,69,000, दिस 14,69,000 इज पोस्ट मार्जिनल रिलीफ, दिस 14,69,000 इज पोस्ट मार्जिनल रिलीफ। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता तो आप देखिए हम क्या टैक्स पे कर रहे होते। अगर ऐसा ना होता तो हम 15 लाख समथिंग पे कर रहे होते जो हमने सबसे पहले निकाला था। यस, अगर हम नॉर्मल तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हम 15 लाख समथिंग अमाउंट पे कर रहे होते, उनने फाइनल ला करके खड़ा कर दिया टैक्स विल नॉट एक्सीड 14,69,000। समझ में आ रही बात? लेकिन एक बात आपने गौर करी, यहां पे भी एसएससी का नुकसान ही है। मैंने आपसे पहले ही कहा लोअर लेवल पे मार्जिनल रिलीफ रिलीफ है ही नहीं। आपको यहां पे क्या रिलीफ मिल रहा, जितना 1 लाख रुपए आपने एडिशनली कमाया वो तो आप पूरा का पूरा टैक्स में दे दे रहे हो। अब क्लाइंट टैक्स चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, मेरे को एक बात समझाओ। क्लाइंट टैक्स चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाल फिलहाल में भी टैक्स में कई गड़बड़ है। टैक्स की पहली गड़बड़ मैं आपको बताता हूं, हाई रिच पीपल पे हैवी टैक्सेशन है, हाई रिच पीपल पे हैवी टैक्सेशन है। कैसे? इमेजिन करिए कोई आदमी मेहनत करके 5 करोड़ रुपए के ऊपर की इनकम जनरेट कर रहा है, आप उसके ऊपर टैक्स कितना लगा रहे हो? एक मिनट कैलकुलेटर लो। सपोज करो विजय 5 करोड़ के ऊपर की इनकम कमा रहा है, सपोज करना है, रियलिटी नहीं है पर ये जरूर जल्दी रियलिटी बनेगी, ठीक है। सपोज विजय 5 करोड़ के ऊपर की इनकम अर्न कर रहा है, अब उसका टैक्स रेट कितना है, 30% प्लस सरचार्ज रेट कितना है, 37% प्लस 4% का सेस, 42.744%। आप में से अगर कोई इस तरह की झंडू एक्टिविटी कर रहा होगा 30 प्लस 37 प्लस 4%, जिसका टोटल किसी ने किया तुम में से नहीं ना, तो अपने आप को जोर से झापड़ मारना अगर ऐसा किया होगा तो। फाइनल के स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं हो, सरेंडर कर देना अपनी IPCC की भी डिग्री, समझ में आई तुम्हारे को? और वहां पे ना कैलकुलेटर के पीछे ऐसा चिट्ठी लगाने का, आज मैं पागल हूं, उसकी शादी हो जाएंगी, मैं CA बनने लायक नहीं हूं, मैं आर्टिकल ही ठीक हूं जीवन में। यार एक बात बताओ, कोई आदमी अपनी दिन भर अपनी मेहनत इज द राइट वर्ड, कोई आदमी दिन भर अपनी मेहनत करके 5 करोड़ रुपए के ऊपर की इनकम जनरेट कर रहा है, तुम 5 करोड़ में से लगभग 43% तो इनकम टैक्स लेकर के निकल जा रहे हैं, क्या मोटिवेशन रहेगा उस आदमी का इंडिया में रुकने का? इससे बेटर वो आदमी बोलेगा कि मैं दुबई के अंदर में रुकता हूं, द इनकम टैक्स इज जीरो, इनकम टैक्स इज जीरो, और मेरे को 6 घंटा लगता फ्लाइट पकड़ के आने के लिए कहीं पे भी इंडिया में, 6 घंटा फ्लाइट पकड़ के आ जाएगा मैं, फ्लाइट के 6,000, फ्लाइट के उसको 20,000 देने पड़ेंगे 53% देने से बेटर। समझ में आ रही हुआ? क्या टैक्स रेट रखा तुमने? कंपनी का टैक्स रेट इंडिविजुअल से कम है, मतलब एक तरफ तो तुम डोमेस्टिक ग्रोथ चाह रहे हो GDP में कि कंपनी कंट्रीब्यूट करे, लेकिन तुम एक आम आदमी को क्यों मार रहे हो जो जेन्युइनली आपके बहुत बड़े रेवेन्यू का सोर्स बन सकता है। यहां उसको कोई मार्जिनल रिलीफ मिला ही नहीं, पर हां इनकम जब बढ़ती है तब उसको मार्जिनल रिलीफ जरूर मिलता है। तो ध्यान से सुनो, मान लो ऐसा भी तो हो सकता है आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है, लेट से आपकी इनकम क्या रहेगी, लेट अस अंडरस्टैंड आपकी इनकम हो गई 1,02,00,000 रुपए, चलो आपकी इनकम 1.02 करोड़ कर देते, अब टैक्स कैसे निकलेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चलो बोलो अब टैक्स मार्जिनल रिलीफ के बाद कैसे निकलना चाहिए? डोंट यू थिंक सबसे पहले टैक्स निकलना चाहिए टैक्स ऑन ₹1 करोड़? डोंट यू थिंक क्या निकलना चाहिए? टैक्स निकलना चाहिए टैक्स ऑन ₹1 करोड़। क्या इसमें सरचार्ज भी ऐड होगा? आंसर इज यस, बट 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज कितना है, 15%। 15% लगना चाहिए या 10% ही लगना चाहिए? 10%, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ में मैंडेटरी सरचार्ज रहेगा, बराबर है। टैक्स ऑन ₹1 करोड़ क्या मैं लिख सकता हूं अलोंग विथ सरचार्ज, अलोंग विथ सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%,
बराबर है, प्लस टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, बराबर है कि नहीं? तो चलो ट्राई करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। सपोज द इनकम इज 1 करोड़ 2 लैक्स, बराबर है। आप क्या निकालोगे सबसे पहले? आप सबसे पहले टैक्स निकालोगे। चलो कैलकुलेट करो फटाक से। बोलो कितना आ रहा है? सबसे पहले हमने टैक्स ऑन 1 करोड़ निकाला अलोंग विथ सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि हम मान रहे हैं आपकी इनकम कितनी है, 1 करोड़ तक की ही है। तो क्या आपका ये कैलकुलेशन 1393,750 आ रहा है? चेक कर लीजिए, इसमें टोटल इनकम माइनस 1 करोड़ कर दीजिए। टोटल इनकम माइनस 1 करोड़, क्या हम इसमें पूरा 2 लाख रुपीज एड बैक कर देंगे? बताओ आपका टोटल टैक्स पेएबल कितना हो गया? 3293,750। अब इसमें सीधा सीधा क्या ऐड करिए? HEC एट द रेट ऑफ 4%, आपका फाइनल पेएबल आ गया 3425,500। बराबर, चलो अंडरस्टैंड ना। डन मालिक। चलो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सपोज कर लो तुम्हारी इनकम 2.303 करोड़ है, बताओ कैसे निकलेगा टैक्स पेबल? टैक्स ऑन बोलते जाओ 1 करोड़ या 2 करोड़, 2 करोड़ अलोंग विथ सरचार्ज ऑफ इस बार 15%, हायर नहीं मानेंगे हम लोग, प्लस टोटल इनकम माइनस 2 करोड़। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करके मेरे को फाइनल आंसर निकाल के दिखाओ। टैक्स पेबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ,
एनीवन? ऑनलाइन जल्दी से बताओ, फाइनल आंसर आ चुका है ऑनलाइन, जवाब आ रहा है 726, बराबर? पक्की बात? एवरीबडी गेटिंग द सेम आंसर? जल्दी बोलो फाइनल आंसर क्या आया था? 72,63,750. गेटिंग एवरीवन? चलो लास्ट एक और. अब 5 करोड़ का भी क्यों छोड़ रहे, इतनी मेहनत करी लिए हो तो. 5.02 करोड़ निकालो. टैक्स ऑन 5 करोड़ अलोंग विथ सरचार्ज ऑफ 25% प्लस टोटल इनकम माइनस 5 करोड़. फिर डिस्कनेक्ट हुआ ये, आज भलता तकलीफ दे रहा है यार ये. फाइनल आंसर? वन करोड़ 94,64,250. पक्की बात? लॉक कर दूं? बोलो भाई साहब, लॉक कर दूं? वो यार कनेक्ट, आज ही कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम दे रहा है. एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सर मैं एब्सोल्युटली करेक्ट कौन से बेसिस पे बोल रहा हूँ, आपने तो सॉल्व भी नहीं किया. वैसे मैं जितने एग्जांपल आपको दे रहा था ना, ये सारे एग्जांपल आपके मॉड्यूल के हैं. इनफैक्ट आप अपने नोट्स के पेज नंबर 1.18 में जाइए, 1.19 में जाइए एंड 1.20 में जाइए. ये वही सारे क्वेश्चन है जो आपने खुद होके सॉल्व किए, आंसर बाजू में मैच कर लेना. ये वही सारे क्वेश्चन है जो आपने एक्चुअली सॉल्व किए, आंसर बाजू में मैच कर लेना. सो आपको मार्जिनल रिलीफ भी कैलकुलेट करते जमा. अब अदर असेसी से रिलेटेड मार्जिनल रिलीफ, जैसे कंपनी से रिलेटेड मार्जिनल रिलीफ, जब मैं तुमको मैट पढ़ाते रहूंगा तब इसको क्रॉस रेफर करूंगा. समझ में आ रही बात? तब इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉस रेफर करूंगा. आई थिंक कनेक्शंस का आज बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, वैसे भी हमारा टाइम हो चुका है. ठीक है, रही बात 10-1 मिनट की, तो शायद किसी दिन हम एक्सटेंड कर लेंगे, उसका कोई तकलीफ नहीं है. राइट, आज क्या क्या पढ़ा, चलो रिवाइज करो. आज क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने सबसे पहले स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पढ़ा. स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पढ़ने के बाद हमने मार्जिनल रिलीफ पढ़ा. मार्जिनल रिलीफ के बाद हमने सरचार्ज पढ़ा. उसके बाद में टैक्स रेट्स फॉर कंपनी, टैक्स रेट्स फॉर फर्म, टैक्स रेट्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा. फिर सीनियर सिटीजन के टैक्स रेट्स पढ़े. तो आज 7 आइटम हम लोगों ने पढ़े हैं. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज घर पे जाकर के सॉल्व करके आना. एक क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको क्या दिया हुआ है, होमवर्क दिया हुआ है. यहाँ पे हमारा टैक्स कैलकुलेशन फॉर नॉर्मल असेसी क्या होता है, खत्म होता है. और अब हम शिफ्ट होंगे कहाँ पे, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के ऊपर. तो कल का जो लेक्चर रहेगा वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेगा. कल हम लोग अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं. राइट, एक एक अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इस साल बहुत अमेंडमेंट आए हैं. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आना. और मैं चाहूंगा कि प्लीज तुम इसको थोड़ा सा पढ़ के आओ. मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उठ करके लेक्चर में आ जाओ, थोड़ा सा पढ़ के आओ इसको. तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आपने क्या पढ़ा था और इसका रियल इंटरप्रिटेशन क्या है. ठीक है मालिक, थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपसे कल, बाय बाय.